इस तरह का एक डिपार्टमेंट हो बाकी दे सारे डिपार्टमेंट उन्होंने कोऑर्डिनेट करन ते साडे नाल इक्को डिपार्टमेंट डील करे इहनू सिंगल खास तौर ते ओह इंडस्ट्रियलिस्टां ते जिन्हां दा पेमेंट दा रिकॉर्ड ठीक हैगा जिन्हां साडे ते इंडस्ट्री दे उत्ते वखरे वखरे बैंक ने बहुत सारे डिपार्टमेंट जिवें कुछ नाम भी लेगा मैं सारे एक स्टील प्राइसिस दा स्टेट दा मैटर नहीं है स्टील प्राइसिस साडा 12% ब्याज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਲੈਣਾ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ 1.5 ਜਿਹੜਾ रॉ मटीरियल का जीएसटी 18% है ब्लॉक हो जाता है इनू पैरिटी लेवल की लोड है ताकि रिफंड एक भी नहीं ओवर ड्राफ्ट की है किने सैलरी लेट की हो या किने पेंशन लेट की हो या किने डेट सर्विस लेट की हो किने बिजली बोर्ड को सब्सिडी लेट की थी और तुसी ये नहीं हैरान रह जाओगे कि हर क्वार्टर के विच पंजाब सरकार 100-200 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया असी रिजर्व बैंक जिन्हों असी सिंकिंग फंड कहने अपने डिपार्टमेंट असी सिंकिंग फंड दे विच पैसे पाउण लग गए पंजाब सरकार ने देने नहीं रिजर्व बैंक को साडा तकरीबन 2000 करोड़ का सिंकिंग फंड पिया जो मर्जी एक्टिव पैसा दोस्तों मत समझना कि यह मेरी वजह नाल होया मेरी वजह नाल नहीं होया परमात्मा ने पंजाब की एक खास तकदीर लिखी पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और परमात्मा पंजाब के रस्ते के कंडे आप आगे चुक के लै जाता ताकि पंजाब के रस्ते चो कंडा ना हो ये परमात्मा ने साडी किस्मत लिखी है वरना यह किवें हो सकता है कि जेड़ा सूबा 1947 के 2 लाख हो गया हो इंडिया का नंबर 1 सूबा किवें बन सके जेड़ा सूबा 1966 के 2 लाख हो गया हो फिर नंबर 1 का सूबा किवें बन गया जेड़े सूबे दे विच एक ऐसी काली सिया रात आई 26,000 साडा बंदा कतल हो गया जेड़े साडे देश दे दुश्मन सीगे उन्होंने साडे ते हालात मुसल्लत कीते 8,000 साडा पुलिसमैन शहीद हो गया IAS IPS शहीद कर दिते गए वो सूबा फिर अपने पैरां ते किवें खड़ा हो गया जेड़े सूबे दे खिलाफ मैं एक गल कहनी नहीं चाहता स्पेशल कंसेशन दित्तियां गईयां हिमाचल ते कश्मीर ते उत्तराखंड वो सूबा जिंदा किवें रह सकदा है आ जीएसटी का निजाम आया 25% साडा सारा स्टेट का रेवन्यू क्योंकि वैट लगता सी फूड ग्रेन ते वह कंफ्यूज हो गया असीं फिर दिता है गवाही देने को तैयार है कि जिस रस्ते से जिस नगर से असि तुरे हैं कि पंजाब को दुनिया की कोई ताकत पिछे नहीं मैं सारी दुनिया घूम के देखी है पंजाबी नाल दा मैनू कोई टेक्नीशियन कोई मकैनिक कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के नाल दा मैनू कोई इत्थे नहीं मिल और मैं थोनू यह भी गल कह के जावांगा कि अकल जेड़ी होती है अकल तो किराए से मिल जाती है अकल तो जेड़ी है मुल मिल जाती है मैं फाइनेंस का मिनिस्टर है मैनू टेक्नोलॉजी बारे की पता है मैनू इंजीनियरिंग बारे की पता है मैनू एग्रीकल्चर बारे की पता है मैनू साइंस बारे की पता है पर यह जेड़ी मुशावरत है अकल है यह तो तुम किराए से पाओगे ऑक्सफोर्ड का हार्वर्ड का वॉटर का बंदा रख लो एंड जेडे एक्सपर्ट होंगे दे कैन कंप्रेस द मोस्ट कॉम्पलैक्स प्रॉब्लम इन टू अ यस और अ नो लीडर ने तो या हां बोलनी है या ना बोलनी है ए लीडर ने कॉल लेनी है बाकी सारिया चीजा तो बड़िया बनाई पी मैन बड़े लोग और मैं क्योंकि ये गल चल पी मैं तो टैक्स के मुतलक अच गल कर आया सी मैनू बड़े लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने साडा की कांग्रेस पार्टी ने साडा 1947
जो भारत आजाद होया तो पंजाब सरकार के की हालात सके मेनू तुम मेमोरेंडम दिता है और यह मेमोरेंडम एक पिन लग्या हुआ है दो कागज रखी है क्योंकि ए दरम्यान एक पिन है और पिन की कीमत होनी है एक दो पैसे होनी है गवर्नमेंट को एक पिन खरीदने वास्ते भी पैसे है नहीं सी पिन भी सरकारी अफसर जेडे है यह जो सवेरे दफ्तर आते दफ्तर तो पहला जेडिया किकर नहीं होंदिया किकर दूलों होंगे ये सूला चुक के लिया कंडे चुक के लिया कंडिया फिर कागज नती हूं गवर्नमेंट पंजाब और यही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें कि कंडिया तो चक के मुल्क एटमी ताकत बनाया कांग्रेस पार्टी की कोशिश ने कहा पीएयू बनिया भाखड़ा डैम बनिया पीजीआई बनिया चंडीगढ़ शहर बनिया कि चंडीगढ़ शहर को कोई इट पट लिया जे ओ कांग्रेस पार्टी का हवाला दिता पीजीआई तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईआईटी बनिया स्टील प्लांट बने नहर निकलिया सड़क निकलिया अठ यूनिवर्सिटियां होंदिया सी हिंदुस्तान अज हजार यूनिवर्सिटियां कांग्रेस की मेरा जो बचपन सी बिजली नहीं होंदी सी अज 12 लाख पिंड अज बिजली आई है कांग्रेस पार्टी ने मैं जो मेरा बचपन सी साडे घर तुसी भी जान जी सर तुसी लीगल डाक्यूमेंट किया तुसी सारा कुछ किया मैं उस गल का जवाब देण लग्या सीगा भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी थोड़ी मर्जी नाल बनी पर क्या तुसी ओनू लागू करिया आई ही नहीं अगे सर असि फिर भी खुले हां सर फिर नवी लाइसेंसिंग सौंपा करना सारे सैक्टर नू खड़ा करना वह भी ए बहुत सारे पार्ट ने एक वन ऑफ द इशू है बहुत वड्डे एस्पेक्ट्स ने असि इसे करके सब तो वड्डी डिमांड रखी सी कि बोर्ड बना दो जिदे रेगुलर मीटिंग सारिया साफ कह रहे थोड़ी स्पेशल मीटिंग बुला लो थैंक यू हरीश दुआ जी प्लीज 21 साल पंजाब की क्यादत की है ही वाज लीडिंग द पंजाब कांग्रेस फॉर 21 इयर्स ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर 9.5 इयर्स उन्होंने असि मुस्तरद नहीं कर रहे सर प्रेसिडेंट कांग्रेस पर क्या उन्होंने किया ही कहीं कांग्रेस स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट सर रिपीटेडली सर उन्होंने किया ही कहीं सब इस तरह कि एक टाइम आता है जो जी पुरानी पीढ़ी होंगी है उन्होंने नवी नस्ल वास्ते रस्ता छड़ना पैंदा रस्ता जवाब सुन लो यार या तो बोल और क्योंकि जी नवी पीढ़ी होंगी है उसकी सोच दे विच एक नवी ताजगी होंगी है टाइम्स किसे दिन मनप्रीत नु भी तो दुनिया तो चले जाना मैं सारी उम्र मैं थोड़े से बैठा और साडे बच्चियां ने आना है हुण टाइम सी कैप्टन साहब की रुखसती का और एक नवी जनरेशन जी है कैप्टन साहब ते चन्नी साहब की उम्र च 20 साल का फर्क है चन्नी साहब इज 58 कैप्टन साहब इज 78 सो ऑब्वियसली अ न्यू सेट ऑफ लीडर्स हैव टेकन ओवर सिद्धू साहब कैप्टन साहब सिद्धू साहब ने विदाई हुई है इस तरीके होनी चाहिए